Standard Corporation Inc. is a US-based multinational company engaged in manufacturing and marketing of printer and scanner. तो Standard Corporation Inc. है, ये एक US की कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो क्या करती है, प्रिंटर और स्कैनर को मार्केट करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है. इट हैज़ सब्सिडरी स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड विच ईदर मैन्युफैक्चर्स और सेल्स प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स यूजिंग द ब्रांड नेम ऑफ SCI. इसके काफ़ी सारे सब्सिडरी हैं जो कि देश विदेश में फैले हुए हैं, जो कि या तो मैन्युफैक्चर हैं या फिर प्रिंटर को और स्कैनर को सेल करते हैं, लेकिन नाम किसका यूज़ करते हैं, SCI का ब्रांड नेम जो है वो यूज़ करते हैं. द इंडियन सब्सिडरी ऑफ द SCI बाइज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर द प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स फ्रॉम द चाइनीज सब्सिडरी ऑफ द सेम MNC ग्रुप. तो जो SCI है इसका एक चाइनीज सब्सिडरी भी है जो जिसका नाम है, जिसका छोड़ जो भी नाम है, एक चाइनीज सब्सिडरी भी है, एक इंडियन सब्सिडरी भी है. तो जो इंडिया वाली जो सब्सिडरी है वो क्या करती है, अपने जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो 1.5 लाख जो कंपोनेंट है वो किससे बाय करती है, चाइनीज कंपनी से बाय करती है. कितने में बाय करती है, 30 येन में बाय करती है. यानी जो 1.5 लाख यूनिट है उसमें पर यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ जाती है, इसको 30 येन पड़ जाती है और ऊपर से कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ती है उसके ऊपर 29.5% की. जापानीज MNC विच मैन्युफैक्चर द सेम कंपोनेंट विच इज़ यूज्ड इन द प्रिंटर एंड स्कैनर्स ऑफ SCI हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया एंड इज़ रेडी टू सप्लाई द सेम कंपोनेंट टू द इंडियन सब्सिडरी ऑफ SCI एट 320 पर यूनिट. अब जो एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी इंडिया में है और वो भी ये वाला कंपोनेंट जो है क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है. तो वो कहती है कि आप जो चाइना है उससे आप जो ले रहे हो ये 30 येन में पर यूनिट, उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, मैं आपको 320 रुपये ये कॉम्पोनेंट दे दूँगा इंक्लूसिव फॉर ऑल टैक्सीज. द SCI इज इमेजिनिंग द प्रपोजल ऑफ द जापानीज मैन्युफैक्चरर एंड आस्क्ड इज चाइनीज सब्सिडरी टू प्रेजेंट इट्स व्यूज ऑन द इशू. द चाइनीज सब्सिडरी ऑफ द SCI हैज़ इन्फॉर्म डेट इट विल एबल टू सेल 120,000 यूनिट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स टू द लोकल चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स एट द सेम प्राइस, डेट इज ₹30 पर यूनिट, बट इट विल इनकर इनलैंड टैक्सेस एट द रेट 10% ऑन सेल्स वैल्यू. तो जो SCI है, जो US बेस्ड कंपनी है, उसने फिर चाइनीज से बोला कि यार तुमसे सस्ता तो जापानीज वाला दे रहा है, तो तुम बताओ तुम्हारे क्या व्यू हैं. जापानीज वाला बोलता है कि देखो मैं ना 1.5 लाख यूनिट जो है इंडियन सब्सिडरी को दे देता था, लेकिन अभी मेरे से लेगा नहीं, तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सटर्नल सेल कर पाऊँगा अपनी कंट्री में वो 120 यूनिट की ही कर पाऊँगा, 1.5 लाख यूनिट की नहीं कर पाऊँगा, 1,20,000 यूनिट की ही सिर्फ कर पाऊँगा मैं, और वो भी वही सेम रेट पे 30 यूनिट रुपये पर यूनिट पे बेचूँगा और उसके ऊपर मेरे को 10 रुपये का सेल्स वैल्यू पर टैक्स, इनलैंड टैक्स है वो पे करना पड़ जाएगा. और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितने की है, 20 येन पर यूनिट की है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही है, दोनों हम सब की जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, चाहे आप ये इंडिया वाला चाहे मेरे से खरीदे, चाहे मेरे से मेरा चाइना वाला कोई दूसरा जो कस्टमर खरीदे. जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है और जो करेंसी एक्सचेंज है वो यहाँ पे बता रखा है. देखो चाइना में 25% टैक्स लगता है, इंडिया में 34% और USA में 40%. करेंसी एक्सचेंज रेट भी देखा है कि $1 इज इक्वल टू 61.50 रुपीज़ और $1 इज इक्वल टू कितना येन, 6.25 येन, और 1 येन इज इक्वल टू 9.8 रुपीज़. तो हम ये जो रेट है ना चाइनीज़ और इंडियन रुपीज़ का, ये एक्सचेंज रेट हम एक्चुअल में यूज़ करेंगे. अब हमें कह रहा है कि प्रिपेयर अ फाइनेंशियल अप्रेजल फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोजल बाई द जापानीज मैन्युफैक्चरर टू सप्लाई कंपोनेंट्स फॉर प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स टू इंडियन सब्सिडरी ऑफ द SCI. प्रेजेंट अ सॉल्यूशन इन इंडियन करेंसी एंड इट्स इक्विवेलेंट. कह रहा है कि आपको एक जो फाइनेंशियल अप्रेजल है वो बनानी है जिसमें आपको इम्पैक्ट दिखाना है कि जो इम्पैक्ट दिखाना है किसका, कि जो जापानीज मैन्युफैक्चरर है जब वो सप्लाई करता है इंडियन सब्सिडरी को तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है, ये आपको एक फाइनेंशियल अप्रेजल इसका बना के दिखाना है. तो ये देखो जब हम चाइना से खरीदते हैं तो 1.5 लाख यूनिट खरीदते हैं, 1.5 लाख यूनिट खरीदते हैं और 30 येन में खरीदते हैं, ठीक है, और इस 30 येन को
इंडिया में कितना एक्सचेंज रेट बनता है, 30 yen इनटू और 1 yen का बनता है, 1 yen इज इक्वल टू 9.8 rupees एक्सचेंज रेट हमने देखा, तो 30 yen का कितना होगा, तो इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज हो जाएगा। और 1.5 lakh यूनिट खरीदता है, टोटल जो परचेज प्राइस है इंडियन सब्सिडी की कितनी बन जाती है, इतनी अगर वो चाइना से खरीदता है तो। प्लस इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी तो पे करना है 29.5% का, तो कस्टम ड्यूटी इतनी बन गई, यानी टोटल परचेज प्राइस इतनी हो जाती है। लेकिन अगर ये जापानीज मैन्युफैक्चरर से खरीदता है तो इसको 320 rupees पड़ेगा एक यूनिट का, तो और 1.5 lakh यूनिट एक खरीदेगा टोटल इतना खरीदेगा, और इसको कोई कस्टम वस्टम कुछ पे करना है नहीं, यानी टोटल इसकी परचेज प्राइस इतनी हो जाएगी। तो देखो जो टोटल परचेज प्राइस है चाइनीज से खरीदता है तो उसको महंगी पड़ती है, जापानी से खरीदेगा तो सस्ती पड़ जाएगी, यानी इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 91,09,500 का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो टैक्स इंडिया में टैक्स रेट है कितना, 34% का, तो आप को इतना प्रॉफिट हुआ आपने 34% का टैक्स रेट पे किया, यानी नेट बेनिफिट आपको कितना हो गया आफ्टर टैक्स, 60 lakhs का हो गया। पहले 91 lakhs का था, आपने 34% टैक्स दे दिया तो नेट बेनिफिट 60 lakhs का हो गया। तो हमने अब चाइना से व्यू मांगा था, तो चाइना देखो क्या बोलता है। चाइना कहता है अभी जब मैं इंडियन सब्सिडी को जब मैं सेल करता हूँ तो मेरी सेल होती है, मैं एक कंपोनेंट उसको 30 yen में देता हूँ और 1.5 lakh का डेढ़ लाख क्वांटिटी में कंपोनेंट इसको देता हूँ, यानी मेरी टोटल सेल येन में इतनी होती है। और ठीक है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है एक यूनिट की आती है 20 yen, और 1.5 lakh यूनिट की कितनी आएगी, इतनी आएगी, यानी मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है वो 15 lakh yen का हो जाता है। और अगर मैं इसको बेचना बंद कर दूं इंडिया वाले को, अगर मैं लोकल अपने यहाँ लोकल सेल करूं, तो देखो मैं सिर्फ एक जो है 1,20,000 यूनिट ही सेल कर पाऊंगा, और सेल प्राइस तो मेरी सेम ही रहेगी, तो मेरे को 36 lakh yen का मेरे को सेल वैल्यू होगा, और वेरिएबल कॉस्ट मेरी इतनी लग जाएगी 24 lakh रुपये के। और अगर मैं लोकल सेल करूँगा तो मेरे को टैक्स भी तो देना पड़ेगा, टैक्स 10% का, तो मैं 10% का जो है वो टैक्स पे कर रहा हूँ, सेल वैल्यू पे 10% का टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस टैक्स 10%, तो मेरी कंट्रीब्यूशन 8,40,000 हो गई। यानी जब मैं इंडियन सब्सिडियरी को सेल करता था तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 15 lakh yen। अब जो लोकल जब मैं सेल करूँगा अपने यहाँ, तो मेरी जो सेल कितनी हो जाएगी, 8,40,000 yen, तो मेरा तो लॉस हो गया ना कंट्रीब्यूशन का, कितना लॉस हुआ, 6,60,000 का मेरा लॉस हो गया कंट्रीब्यूशन, 6,60,000 yen का लॉस हुआ। अब येन को आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो तो 1 yen इज इक्वल टू 9.8 rupees था, तो इतना येन कितना होगा, तो इसको 9.8 rupees से कन्वर्ट कर दो तो यानी 64,68,000 होगा। बट इसको लॉस हो रहा है तो टैक्स सेविंग भी तो होगी, तो चाइना की टैक्स रेट कितनी है, 25% है, तो ये इतना इसकी इसको लॉस हुआ इसमें से इतना, तो इसको टैक्स सेविंग हो जाते हैं। नेट इसको लॉस कितना हुआ, 48,051,000 इसका नेट लॉस हुआ। यानी देखो इंडियन सब्सिडी को फ़ायदा हुआ 60 lakh का, और चाइनीज सब्सिडी उसको लॉस हुआ 48,000 का। यानी नेट ओवरऑल कंपनी को क्या हुआ, ओवरऑल कंपनी को तो बेनिफिट हुआ ना 11,61,000 का, ये बताना था। अब पूछा है कि आइडेंटिफाई अदर इशूज डेट वुड बी कंसिडर्ड बाय द SCI इन रिलेशन टू दिस प्रपोजल, कि SCI जो है वो किन और अदर इशूज़ को कंसिडर करेगा ये जापानीज वाला प्रपोजल लेने से पहले। तो देखो काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए, जैसे लॉन्जिविटी ऑफ द प्रपोजल ऑफ द जापानीज मैन्युफैक्चरर, उससे हमें पता होना चाहिए कि चलो अभी तो हमने चाइनीज़ का जो माल है वो ठुकरा करके अपने जापानीज वाला जो इंडिया में था उसे ले लिया, तो क्या ये फ्यूचर में भी हमें सेल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि बस ये फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम के चक्कर में हम अपने चाइनीज वाले को जो सप्लायर उसे को नाराज कर रहे हैं। फिर सर्टेनिटी ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, कि क्या इंडिया की फिस्कल पॉलिसी ऐसी है कि जो अभी जो जापानीज मैन्युफैक्चरर है उसे हम प्रेजेंट प्राइस पे फ्यूचर में भी ले पाएंगे। फिर रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अर्न इन इंडिया, अब देखो कंपनी है किसी, कंपनी US की है, तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो कहाँ से आसानी से, अगर चाइनीज में प्रॉफिट कमाती है चाइना में तो चाइनीज से रिपैट्रिएट हो जाएगा US में आसानी से, या इंडिया में कमाती है तो आसानी से US में हो सकता है। तो अगर मान लो इंडिया में नहीं होती है तो इसको प्रॉफिट जो है चाइना को डाइवर्ट कर देना चाहिए ताकि अच्छे से रिपैट्रिएट हो जाए US में। फिर ऑपरेटिंग कंडीशन इन चाइना, इसको चाइना की जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो समझनी चाहिए, क्या पता चाइना फ्यूचर में और भी कॉम्पिटिटिव रेट पे आपको सप्लाई करना शुरू कर दे, सप्लाई करने में एबल हो जाए, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप शॉर्ट टर्म को देख करके लॉन्ग टर्म, मतलब आप लॉन्ग टर्म को नाराज करके शॉर्ट टर्म में फ़ायदा करोगे तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म को देखना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म पर ध्यान मत दो। फिर फिस्कल पॉलिसी इन चाइना, कि आपको चाइना की भी फिस्कल पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि चाइना के जो टुडे की कॉस्ट है क्या पता वो कम हो जाए आगे जा करके, है ना, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।